इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, यानी नई संसद के प्रोजेक्ट को ये अप्रूवल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया, पर्यावरण कमेटी के सुझावों को भी कोर्ट ने सही करार दिया है। इस वक्त संवाददाता देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, यानी रास्ता अब साफ हो गया है नई संसद के निर्माण का? या बिल्कुल, और केंद्र सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बताया कि बहुत तर्कसंगत और न्याय संगत है, और जिस तरीके से भी जो काम किया गया, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट अप्रूवल किया गया, ये सारी चीजें ठीक है। साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवश्यक निर्देश होने चाहिए कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाए, स्मोक टावर लगाया जाए, इस तरह की जो पैरामीटर्स होते हैं उसका ध्यान रखा जाए, जो कि केंद्र सरकार पहले से रख रही है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि वो जो पूरा प्रोजेक्ट होगा उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री जो अभी डिफरेंट जगह फैली हुई है, उसमें 10 बिल्डिंग होगा, 10 बिल्डिंग के अंदर सारे मंत्रालय होंगे, और नया प्रधानमंत्री आवास, नया वाइस प्रेसिडेंट का आवास, ये सारी चीजें एकदम से नए जरूरत के हिसाब से आधुनिक समय में जिस चीज की जरूरत, और ये तमाम चीजें पर्यावरण को ध्यान रखते हुए की जाएंगी। देवेंद्र, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।